तो जनाब बात करते हैं जफ़ा की सेकंड एपिसोड की जो कल आई जुम्मे को रात 8 बजे। तो मैंने देखी एपिसोड और कल की जो एपिसोड थी वो उसमें समझे कि पूरा एक शादी का इवेंट था, उसी को उन्होंने कवर किया था। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी फैमिली की शादी अटेंड कर रही हूँ, और बचपन में हम मूवीज़ देखते थे ना शादियों की, तो वो लग रहा था हम किसी की शादी की मूवी देख रहे हैं। तो कहीं कहीं मुझे वो वाला इम्प्रेशन, मतलब वो वाली चीज़ फील हुई, महसूस हुई। अच्छा, ज़ारा और हसन की जो शादी हुई है उसमें कई कई हसन का जो एटीट्यूड है, ख़ासतौर पे जब वो रुख्सत करके आती है घर और उनकी दादी उनको चूड़ियाँ पहनाना चाह रही होती हैं, तो वो एकदम रोक देते हैं कि नहीं मैं बाद में दे दूँगा। तो कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देते हैं, इट लुक्स लाइक कि शायद ये बाइपोलर हैं या इनका कोई चाइल्डहुड ट्रामा से गुजरे, क्योंकि वो उनसे ये भी कहते हैं कि नहीं पेरेंट्स की बात नहीं करो, फिर कहते हैं मैं अपने फादर को मिस कर रहा हूँ। तो काफ़ी फिशी सा इनका नेचर दिखाया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि चेंज मत होना, जैसी हो वैसी रहना, और इतनी स्वीट दिखाई है वो, उसको वो हैरान होती है, लेकिन उसको वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखती है, अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड करके रखती है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएगा कि क्या सीन है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। अच्छा, शादी के फंक्शन के दौरान जो है वो दीबू और उस्मान मुख्तार की और उनकी टक्कर हो जाती है, और वो शादी के जो कपड़े, जिसमें माशाल्लाह दीबू बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा उनकी एपिसोड में एक्टिंग थी, और बहुत बैलेंस्ड, वो कहते हैं ना जिसे किसी डिश में मिर्ची मसाला नमक बिल्कुल बराबर तनासुब में होता है, बिल्कुल वैसे ही उनकी एक्टिंग थी इस दफ़ा, ज़बरदस्त थी, नो ओवर एक्टिंग, ज़बरदस्त सब कुछ रहा। तो वो उनके कपड़ों पर गिर जाता है सालन, और उस्मान मुख्तार के मुंह पे भी लग जाता है तेल, तो बड़ा अजीब सा वो सीन हो जाता है। लेकिन वो भी वो उसमें इतना रिएक्ट नहीं करती, हालांकि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी दिखाई है वो काफ़ी रिएक्ट करती, लेकिन उसने नहीं रिएक्ट किया। वैसे कभी आपके कपड़ों में सालन गिर जाए ना, तो फ़ौरन टैल्कम पाउडर लगा लें तो तेल उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ज़ुबैदा आपा याद आ गई इससे मुझे। खैर, तो फिर जो है वो ये जो उस्मान मुख्तार की जो अम्मी है वो लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं, तो उसमें वो इनको भी देखती हैं और दीबू को देखती है, से पहले दो लड़कियों को, एक दो लड़कियों को और देखती है, एक लड़की को। वो ये भी कहती है कि बेटा अपनी अम्मी को बुलाओ। ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि आप किसी लड़की को कह रही हैं कि आप अपनी अम्मी को बुलाओ बेटा, और वो बुला भी लेती हैं। तो वो बंदी तो बिल्कुल ही समझे कि दीबू के आगे तो बिल्कुल ही डंप लग रही होती है मुझे वो लड़की। खैर, शादियों में ये सिलसिला होता है अक्सर के लड़कियों के देखने दिखाने का, बहुत कॉमन है ये। तो ये चीज़ थी, और क्या था, हाँ एक जो ख़ास बात थी, दीबू जो है वो जरार से बातचीत करती है, उसको अपनी पिक्चर सेंड करती है कि मैं ऐसी लग रही हूँ, फिर वो उसको रूफ पे बुला लेती है रात में। फिर अब्बा जो है वो पहुँच जाते हैं, हालांकि अच्छा उनको नींद नहीं आ रही होती। अब्बा को है कोई इनसिक्योरिटी, उनका भी कोई मसला लगता है कि वो इतने ज़्यादा उनको परेशान रहते हैं अपनी बेटी से रिलेटेड, वो बहुत पोसेसिव हैं, तो वो चेक करते हैं और वही होता है जो मतलब नहीं होना चाहिए था। उनको बड़ी ठेस पहुंचती है उनके भरोसे को, वो देखते हैं भाई बेटी जो है वो अपने दोस्त के साथ छत पे बातें कर रही है, तो वो बहुत डिसहार्टेंड होते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। आई थिंक इसका रिएक्शन इस सेंस तरीके से आएगा कि अब उस्मान मुख्तार की तरफ से जाएगा रिश्ता, क्योंकि उनको पसंद है, वो पसंद आ गई है, वो नज़रों से अंदाज़ा हो रहा है। तो जब रिश्ता जाएगा तो उस ये नुमान मसूद जो है उनकी शादी फ़ौरन तय कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो देख चुके हैं अपनी आंखों से। तो ये रिएक्शन वो इधर शो करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो डांट टपट करेंगे, वो उस तरह के नहीं दिखाएं, वो थोड़े तो डिफरेंट से अब्बा दिखाएं, मतलब ही इज़ केयरिंग ऑल्सो, बट वो खुद ही परेशान होते जा रहे हैं। तो ये सीन था, और क्या था इस ड्रामे में, और ऐसी कोई ख़ास बात मुझे नहीं लगी, लेकिन हाँ इस दफ़ा बस वही इवेंट था, टोटल पूरी शादी का जो इवेंट था बस उसी पर बेस कर रही थी। और अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होगा, तब तक के लिए थैंक यू।